हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। हम अभी आप लोगों को यहाँ पे टूर देंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद का। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूँ जानकारी के लिए, मैं यहाँ पे अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम हुआ नीतीश कुमार, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारे अभी नए नए स्टूडेंट होंगे जो इंटर पास आउट करके अब सोच रहे होंगे कि जेईई मेन्स हम दें और उसके बाद हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें। तो उसके लिए आपके पास बेहतर मौका है कि आप जेईई मेन्स दें और उसके थ्रू आप बिहार इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ भी बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पे हम एडमिशन पा सकें। तो उसी में से एक हमारा कॉलेज आता है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। ये जो भी हमारा कॉलेज का जो टूर हुआ, जितना भी आज नाइट में हम शूट कर रहे हैं, तो नाइट का व्यू में जो मेरा कॉलेज का होता है वो आप लोग के साथ अभी साझा करेंगे। वो आप लोग देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, आगे कंटिन्यू रहिएगा। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग खड़े हैं जेईई औरंगाबाद के मेन गेट पर, जहां हम लोग एंट्रेंस मारते हैं। और यहां आने के लिए सबसे पहले आपको औरंगाबाद जिले के रफीगंज स्टेशन पे उतरना पड़ेगा और वहां से कस्मा के लिए ऑटो मिल जाएगा। बहुत और यहां अरथुआ गांव के पास ये कॉलेज स्थित है। और यहाँ कॉलेज खुलने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एटीएम भी खुल चुका है कैंपस का। कैमरामैन फोकस कीजिए उधर, क्या चीज़? मॉम डैड कॉर्नर भी खुल चुका है और दुकान भी खुल चुका है। और यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। पहले यहाँ सुनसान था दोस्तों, कुछ नहीं था, बस एक ढाबा था। एटीएम देख लिए और आइए, चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ हमारे गार्ड साहब हैं और गार्ड साहब से बात करेंगे कि आप कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे, यहाँ का माहौल कैसा और कॉलेज अच्छा कैसे आगे बढ़ रहा है। अच्छा बढ़ रहा है कॉलेज, अच्छा है। और यहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में आप क्या बोलेंगे? अच्छा हो रहा है पढ़ाई लिखाई, अच्छे से आप लोग पढ़िए। अच्छा, और इधर के जो लोग हैं, आसपास के जो लोकल लोग हैं, उन कॉलेज के बारे में मतलब क्या उनका व्यू है? अच्छा व्यू है, अच्छा व्यू है। चलिए, तो गार्ड साहब को धन्यवाद अपना रिव्यू देने के लिए और हम लोग अभी आगे जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जितना भी बड़ा बिल्डिंग है इधर और इधर, ये सारे क्लासरूम है और लैब है। और यही हम लोग का, इसी में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिसमें प्रिंसिपल और क्लास वगैरह चलता है। और एक चीज़ और बात बता देते हैं आपको, आप लोग बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे, अभी बहुत लोग होते हैं कि इस कॉलेज के बारे में जानते तो हैं कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन होता क्या है कि बहुत लोग इसका लोकेशन के बारे में भी नहीं जानते हैं कि कहाँ पे है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का रफीगंज पड़ता है एक जगह, रफीगंज से आपको लगभग 11-12 किलोमीटर के आसपास में ये कॉलेज जो है अवस्थित है। आपको वहां से रफीगंज जंक्शन आना होगा, स्टेशन रफीगंज स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा, ऑटो सीधे आपको कॉलेज के गेट तक छोड़ देगी, आप यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए आगे बने रहिए, आगे हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पे क्या माहौल है, क्या है। और इधर से आप देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है यही है, यहीं पे पूरा क्लासेस एंड लैब एंड बहुत सारे मतलब जो भी है आपको पढ़ाई से रिलेटेड आपको यहीं पे मिलेगा। और बाकी अब हमारे साथी दोस्त अमित से आप देखिए और जानिए क्या है इस कॉलेज में। देखिए दोस्तों, कितना व्यू अच्छा आ रहा है दूर से और हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो हम लोग का कॉलेज का बिल्डिंग है वो आ जाए। और आइए अभी हम आप लोग को अंदर ले चलते हैं, जहाँ आप लोग को दिखाएंगे अंदर की क्या सीन है।